नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर तो मिल ही गई होगी, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे जैसा कि वो चाहते थे। अब ये मत पूछिए जनता क्या चाहती थी, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया था। लेकिन उसके इतर यानी भाजपा एनडीए की बड़ी पार्टी जरूर है, नीतीश कुमार उससे 30 कदम पीछे जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे ऐसा भाजपा चाहती है। और ये बात और कोई नहीं बता रहा है, खुद नीतीश कुमार बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा कर दिया है, एक बड़ा न्यूज चैनल बिहार का यह दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो तो सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी को बड़ा जनाधार नहीं मिला है। स्पष्ट तौर पर राजग यानी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसमें जो भाजपा है उससे ज़्यादा मैंडेट मिले हैं, 74 सीटें आई हैं। इस हिसाब से नीतीश कुमार को पीछे बैठने में कोई ऐतराज़ नहीं है। पूरे चुनाव में हमने देखा था नीतीश कुमार के चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी थी, नीतीश कुमार को समझते समझते थोड़ी देर हुई, लेकिन समझ गए तो भाजपा के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी उनको आगे बिठा दिया और अपनी पिछली सीट पर बैठ गए। अब आगे बैठने वाले व्यक्ति ने सही जगह पर गाड़ी पहुंचा दी तो इसका क्रेडिट लेने के लिए अगली सीट पर वापस नीतीश कुमार आ गए। अब इसके आगे क्या होगा, पहले तो कुछ अपडेट आप सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये अपडेट है। 2-3 अपडेट्स हैं, उसको समझिएगा जरा इन चीज़ों को। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के नेता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया और मुहर भी लग गई है, यानी जो एनडीए है उसका नेता बिहार में अब घोषित कर दिया गया है नीतीश कुमार जी को। और भाजपा विधानमंडल दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी सहयोगी और उनके मतलब इसे कैसे है ब्रो, उनके ब्रो को सुशील मोदी जी को मौका दिया गया है कि वो भाजपा के विधानमंडल दल का जो नेता है वो बने। लेकिन ये खुद तो चुनाव लड़े नहीं थे, खैर छोड़िए इन सब बातों पर क्यों पड़ेंगे। एक और अपडेट ये है कि कटिहार से जो विधायक है तारकेश्वर प्रसाद, उनको मौका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर, और उप नेता चुना गया है रेणु देवी को। इन 4 लोगों को जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। लेकिन आप अगर बिहार की राजनीति से अवगत हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर। लेकिन लड़ाई वहाँ नहीं थी, लड़ाई इस बात पर अड़ी हुई थी कि इस बार बिहार भाजपा की तरफ से नीतीश के समानांतर कौन बैठेगा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सुशील मोदी नहीं बने। कल रात तक ये बातें लगभग तय हो चुकी थी कि सुशील मोदी इसको लेकर काफ़ी खफा भी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिस शर्त को पूरा कर पाना शायद नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं था। उन्होंने शर्त रखी कि आप डिप्टी सीएम किसी को बना लीजिए लेकिन चिराग पासवान को इस एनडीए गठबंधन से बाहर करना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि काफ़ी मान मनोवल के बाद राजनाथ सिंह को आना पड़ा, जैसे कि हमने रातों रात वो खबर दी थी। राजनाथ सिंह ने मनाने का प्रयास किया लेकिन हमारे 2 रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर भी हैं, राज्यपाल के घर के बाहर भी खड़े हैं, उन दोनों ने अभिषेक और बिरजू ने मुझे 2 अपडेट्स दिए हैं। अभिषेक ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि सर सारी स्थिति तो समझ में आ रही है लेकिन जो अपडेट्स आ रही हैं वो आहापोह में है, कुछ बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर नीतीश कुमार को लेकर ये खबर चलाई जा रही है कि वो सीएम बनेंगे तो बस कयास है, किसी ने इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की है। हाँ, एक बात जरूर है कि उन्हें राजग का जो नेता है वो चुन लिया गया है। वहीं सुशील मोदी को लेकर भले ही अब सारे न्यूज चैनल्स खबर चला रहे हैं लेकिन ये बात स्पष्ट है कि सुशील मोदी को अभी तक डिप्टी सीएम बनने के लिए कोई हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब उन्हें विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है तो वो ही औपचारिक तौर पर जो सीधे तौर पर रेसिप्रोकेट करके बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं और ये एहसास भी करा दूं कि अभी इस पिक्चर में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है। मौजूदा स्थिति ये है कि राज्यपाल के पास जरूर गए हुए हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ नीतीश कुमार, लेकिन सुशील मोदी दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। इस दौरान सुशील मोदी के साथ भी बिहार भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे और कहा जा रहा है कि 2 धड़े में बिहार भाजपा पूरी तरह से टूट चुकी है। और एक तरफ जहां सुशील मोदी को बनाने को लेकर लोग लगातार अड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग कामेश्वर चौपाल, प्रेम कुमार और इत्यादि जो नाम लगातार सामने आ रहे हैं उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। यानी अभी एनडीए में जो ग्रहण है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जीत के बावजूद सरकार बनाने की बात जरूर कही जा रही है लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर जरूर नीतीश कुमार की तरफ से आ गई है। एक वेबसाइट जिस पे नीतीश कुमार से आज बातचीत उनकी हुई है, उन्होंने दावा किया है और दावा क्या किया है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं एग्जैक्टली, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। दावा ये किया जा रहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे लेकिन एनडीए के नेताओं की बैठक में नीतीश कुमार को जो
जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके अलावा खुद उन्होंने कहा है कि मैं नहीं बनना चाहता था मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा के नेताओं ने आग्रह किया और निर्देश दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री बनना मैंने स्वीकार किया। यानी आपको बता दें, जो खबर हमारे चैनल के अन्य रिपोर्टर्स चाहे विशाल हो या हिमांशु, इन लोगों ने लगातार आपको खबर दी है कि कोप भवन में चले गए थे नीतीश कुमार, जो चिराग पासवान ने रोल प्ले किया था पूरे चुनाव में, इस पर वो चाहते थे कि उनके खिलाफ एक कड़ी एक्शन लिया जाए और चिराग पासवान को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है मोदी जी का, उसमें भी कोई जगह नहीं दी जाए रामविलास की जगह पर। तो ये सारा ड्रामा अभी बाकी है, इस सारे ड्रामे पर हमारी नज़र है। फिलहाल आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल के इस पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि फेसबुक पर भी आपसे कोई अपडेट छूटे ना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। एक साथ साथ आपसे निवेदन भी है, हमारी टीम बहुत बड़ी है और चुनाव के दौरान आपको जिस निष्पक्षता से हमने खबर दिखाई है, अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी हमारी इस पत्रकारिता की जुनून और जोश को दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाते रहें। हमारा UPI नंबर दिया हुआ है, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।